क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? मेरा भाई तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। इंसान की फितरत है, जो चीज उसे नहीं मिलती वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें चीज कह रही हूं, मेरा ये मतलब नहीं है। एक्चुअली जैसे तुम लोगों का मिलना हुआ, जैसे तुम लोगों की बातचीत, तुम लोगों का रिश्ता बहुत अजीब है। मेरा आपके भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोस्ती तो थी ना? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने भाई की वजह से आई हूं, क्योंकि आदर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके लिए, आपके भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती। और अपने लिए? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ, क्या तुम आदर से मोहब्बत करती हो? इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? सही कह रही हूँ। हमारे जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं ना, वहां लड़कियों के साथ यही कुछ होता है। हमारे ऊपर एक खोल चढ़ा दिया जाता है। अगर हम अपने हक के लिए बात करते हैं तो हमें बदतमीज और बेशर्म कहा जाता है। और जहां तक शादी का और मोहब्बत का सवाल है तो इसके बारे में बात करना तो फजूल है। क्यामत खड़ी हो जाती है। अभी सारी बातें मुझसे क्यों कर रही है? इन बातों का क्या फायदा है? फायदा देखो, तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे, और यही सिचुएशन हमारे घर में भी है। आतिर का सिर्फ साथ मैं दे रही हूं, वो भी छुप छुप के, क्योंकि क्योंकि क्या? मैं आतिर से प्यार करती हूँ। वह मेरा भाई है, अकलौता भाई है। उसकी हालत नहीं देखी जाती, बहुत परेशान है। इन बातों से अब कोई हासिल नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं और आप जानती हैं कि आपका भाई भी बहुत अच्छा है, मगर मैं प्लीज कह दो, मैं आपके भाई को बहुत चाहती हूँ, मैं भी उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपके भाई ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। मुझे सलमान पहले भी नहीं पसंद था, लेकिन जब से वो आतिर से मिला है उसका सलूक मेरे साथ बुरे से बुरा होता जा रहा है। मैं नहीं जानती कि सलमान मेरे साथ सया करेगा या सफेद, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी है। मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मायरा प्लीज चचिया, आप एक लड़की हैं और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूं। एक तरफ पुलिस स्टेशन, एक तरफ हॉस्पिटल। मेरे बड़ों ने जब भी मुझसे आतिर के बारे में बात की है, बुरी तरह ही बात की है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं उनके लिए कैरेक्टरलेस और खुदगर्ज लड़की बन चुकी हूँ। मैं अपने लिए कोई भी फैसला नहीं कर सकती, अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी अम्मी, उनकी हालत ऐसी नहीं है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और मेरी बहन, उसका तो इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर ऐसा हुआ तो वो घर बैठे बैठे तलाक याफ्ता हो जाएगी। और आप जानती हैं ना कि ऐसी लड़की के साथ उसके अपने घर वाले क्या सलूक करते हैं। ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि मैं आतिर को भूलना चाहती हूँ। और आप प्लीज आतिर से कहें कि वो भी मुझे भूल जाए। आपको अब जाना चाहिए। आई मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। हेलो, हाय, सलाम अलैकुम। कहाँ जा रही हो और कौन है ये? तारफ तो करवाओ।
मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, बस मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। नाइस टू मीट यू। मैं मायरा का हस्बैंड। नाइस टू मीट यू। यूनिवर्सिटी की फ्रेंड, कोई नाम तो होगा इनका कि नहीं? शजिया। शजिया, गुड गुड। यकीनन आप दोनों शॉपिंग ले जा रही होंगी, क्योंकि लड़कियों को अपनी शादी की शॉपिंग सहेलियों के साथ करना अच्छा लगता है ना? नहीं, एक्चुअली बस मैं मायरा से मिलने आई थी, हम निकलने ही वाली हूँ। लेकिन मैं मायरा को पिक करने आया था ताकि हम इकट्ठे शॉपिंग पे जा सकें। आप भी ज्वाइन कर सकती हैं हम? नो थैंक यू, एक्चुअली आप लोग कैरी ऑन करें, बस मैं निकलने ही वाली हूँ। बाहर कोई गाड़ी नहीं खड़ी, आप कैसे जाएंगे? नहीं बस यहाँ से कैब ले लूंगी और मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मायरा जा ही रहे ना, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, जिंदगी में पहली बार मायरा की किसी दोस्त से मिला हूं। ऐसे आपको थोड़ी जाने देंगे, आपको घर तक छोड़ के आएंगे। जी आओ मायरा, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं, आ जाएं आप लोग। आइए आइए। का चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। जी? देखा बाला, लेकिन याद नहीं आ रहा कि हमारी पहले कहां मुलाकात हुई है। जी नहीं, हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई। You're mistaken. शायद, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। इसकी आदत है मजाक करने की, तुम रहने दो। तुम मुझे तुम कहना बंद कर दो। अकेले में ठीक है, लेकिन किसी के सामने आप जनाब कह के मुखातिब क्या करो? और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हमारी शादी में तो आएंगी ना, वहां दोबारा मुलाकात होगी आपसे। ठीक कह रहा हूं ना? जी जरूर, इंशाल्लाह। फिर आप मायरा से मिलने के लिए हमारे घर भी आएंगी, आखिर आप मायरा की इतनी पुरानी दोस्त जो है। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप जब भी मायरा से मिलने आएंगी, आपकी मुलाकात मुझसे भी जरूर होगी। जी जरूर। आप यहां रहती हैं? काफी पॉश इलाका। एनीवे, थैंक्स फॉर द राइड। आप झूठे मुंह भी अपनी दोस्त को अंदर आने का नहीं कहेंगे? सलमान, आप प्लीज उसे परेशान मत करें, हमें भी आगे शॉपिंग पे जाना है, उसको जाने। अच्छा ठीक है, अब आपकी दोस्त का हुक्मनामा आ गया, इसलिए आप जा सकते हैं। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आप आतिर को जानती हैं? कौन आतिर? मैं किसी आतिर को नहीं जानती। यही दो गलियां छोड़ के रहता। आशिक है मेरी बीवी का, और आशिक भी ऐसा कि मेरा सर फाड़ के मुझे हॉस्पिटल भेज चुका है। लेकिन वो एक बात नहीं जानता कि मैं भी अपनी बीवी से इश्क करता। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि करीब ही रहते, अगर कभी मिले तो उसे बता दीजिएगा क्या आइंदा वो या उसका कोई भी मैसेंजर मेरी मायरा के करीब भी आया तो। चलो उतरो यहां से, पैदल घर जाओ।